हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएसएस एग्जामिन। आज का हमारा टॉपिक जियोग्राफी से मुतालिक है और इस सब्जेक्ट का इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसे रॉक्स के नाम से हम जानते हैं, उसकी एक बड़ी अहम टाइप इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको रॉक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो बेटा रॉक्स की डेफिनेशन एक जियोलॉजिस्ट जो है वो करते हैं, जिनका नाम है एच डेलजी, इनको असिस्ट करते हैं मिस्टर मुलर। वो ये कहते हैं कि जो रॉक होती है ये बेसिकली मिनरल्स का कॉन्ग्लोमरेट है, असेंबलेज है। बाज औकात इसमें सिर्फ एक मिनरल भी हो सकता है, जिसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं क्वार्ट्जाइट। बाज औकात इसमें एक से ज्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं। ये जो एक से ज्यादा मिनरल हैं, दे हैव अ लॉट टू डू व्हेन दीज रॉक्स आर बेंट, इरोडेड या किसी भी वेदर कंडीशन की वजह से या इवन वाटर के रिएक्शंस की वजह से ये बेटा रॉक्स टूटती हैं। तो रॉक्स की हमने बात की कि दिस इज अ असेंबलेज और कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ मिनरल्स, समटाइम्स इसमें एक मिनरल भी हो सकता है, बाज़ औक़ात इसमें एक से ज्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं। इन रॉक्स की मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आज हम उनमें से एक इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अगर हम इसकी लेक्सिकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करें तो बेटा ये लफ्ज निकला है अग्नि से, जिसका मतलब है फायर। आपने बेटा एक इंडियन मूवी भी देखी होगी अग्निपथ, उसमें भी आग के जो मीनिंग्स है वो इंक्लूडेड है। तो अग्नि से ये लफ्ज निकला है जिसका मतलब है फायर। और ये कब बनती है? ये उस वक्त बनती है जब मैग्मा, जब बेटा ये कूल्स डाउन होता है। अब नाउ व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा बेटा ये अगर अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के नीचे बेटा लिक्विड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में मौजूद होता है। जब ये इनसाइड द अर्थ क्रस्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, हम इसको कहते हैं मैग्मा। और जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, कूल्स डाउन होता है, तो बेटा रॉक डेवलप होती है। तो इसके फिर दो कंडीशंस हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये जो मैग्मा है ये इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ही बेटा यहां पे कूल डाउन हो जाता है, यहीं पे ही रॉक की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो बेटा उस सूरत में इसे हम कहते हैं ग्रेनाइट। दूसरी सिचुएशन है जब हमारे पास ये मोल्टन लावा या मोल्टन मैग्मा जिसे हम कहते हैं, ये अर्थ क्रस्ट को बेटा उससे क्रॉस करके बाहर निकल आता है और यहां पे आके सॉलिडिफाई होता है। जब ये बाहर आके सॉलिडिफाई होता है तो उस सूरत में हम इसे कहते हैं ऑब्सिडियन, इसे लावा रॉक भी कहते हैं, इसे पुमाइस भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हाउ इट लुक्स। तो इग्निशियस रॉक्स मैग्मा के सोलिडिफिकेशन के प्रोसेस से हमें जो रॉक हासिल होती है उसे हम कहते हैं इग्निशियस रॉक्स। बेटा ये पूरी अर्थ में ये इग्निशियस रॉक्स फैली हुई है। एक सर्वे के मुताबिक जो इस दुनिया की टोटल जो रॉक्स हैं बाय वॉल्यूम अगर देखें तो 64.7% ऑफ अर्थ क्रस्ट रॉक्स बाय वॉल्यूम ये बेटा इग्निशियस रॉक्स हैं। और इन 64.7 में से आपकी बेटा 66% जो हैं ये बसाल्ट, ये गैब्रोज हैं। इसी तरह 16% बेटा ग्रेनाइट की मिकदार वो बताते हैं। तो ये तो हमने इग्निशियस रॉक्स का एक ओवरऑल व्यू पढ़ लिया, बेसिकली कि वो बनती कैसे है, उसकी हमारे पास अर्थ क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन की क्या वैल्यूज हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स।
सबसे पहले बेटा एसिडिक या फेल्सिक इग्नीशियस रॉक्स, जैसा कि बेटा नाम से ही जा रहा है एसिड, इसका मतलब इसमें जो एसिड फॉर्मिंग रेडिकल है यानी कि सिलिकॉन, इसकी बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है और अप्रोक्सीमेटली 80% जो एसिडिक या फेल्सिक इग्निशियस रॉक में 80% जो तादाद है या मिकदार है वो सिलिकॉन की होती है और इसी सिलिकॉन की वजह से हम इसे एसिडिक कहते हैं। अब बेटा चूंकि सिलिकॉन की मिकदार बहुत ज्यादा है तो बेटा इसका जो कूलिंग रेट है दैट इज वेरी हाई, ये बहुत स्पीडी कूल होती है, सॉलिडिफाई होती है। और बेटा ये अर्थ क्रस्ट की एक लेयर है जिसे हम कहते हैं सियाल। ये बेटा सियाल बेसिकली क्या है, ये हम जब अर्थ क्रस्ट की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर का लेक्चर लेंगे तो उसमें एक बेटा स्विस व्यूज है रिगार्डिंग द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो उसमें आपको पता लगेगा कि सियाल एक अर्थ के पार्ट है और ये सियाल में इग्निशियस रॉक्स की बहुत ज्यादा जो है वो परसेंटेज पाई जाती है। 80% इसमें सिलिकॉन बेटा, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें सोडियम पोटाशियम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी भी तादाद पाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा बेसिक या मैफिक इग्निशियस रॉक। अब चूंकि ये बेसिक इन नेचर है इसलिए इसमें एसिड फॉर्मिंग जो रेडिकल एलिमेंट है सिलिकॉन उसकी मिकदार बेटा कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 40% इसकी तादाद होती है सिलिकॉन की। बकिया इसमें बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम है, पोटाशियम है, इसकी भी एक परसेंटेज मौजूद होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि बेटा इसमें सिलिकॉन की तादाद बहुत कम है और इसीलिए बेटा इनका कूलिंग रेट भी बहुत कम है, तो हमें एक बात हमें आइडिया हुआ कि जो कूलिंग रेट है बेटा ये डिपेंड करता है सिलिकॉन की अमाउंट पे, सिलिकॉन की परसेंटेज पे। और ये जो बेसिक या मैफिक इग्निशियस रॉक है ये बेटा अर्थ क्रस्ट की उसी स्विस व्यू के मुताबिक एक और इसका पोर्शन है जिसे हम कहते हैं सीमा, ये ज्यादातर उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा इंट्रूसिव। इंट्रूसिव से क्या मुराद है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि मैग्मा होता है, मैग्मा अगर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट उसी जगह पे ही सॉलिडिफाई हो जाए, अगर अर्थ क्रस्ट से बाहर ना निकले तो बेटा उसको ग्रेनाइट कहते हैं और इसकी जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है वो है इंट्रूसिव या प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स। इनका भी बेटा जो कूलिंग रेट है वो बहुत स्लो होता है, ये स्लोली जो है ये अपने आप को सॉलिडिफाई करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक इग्निशियस रॉक्स। इन किस किस्म की इग्निशियस रॉक्स में बेटा जो आपका मैग्मा है वो बेटा अर्थ क्रस्ट की फॉल्ट लाइंस जहां भी उसे फिजिबिलिटी नजर आती है वो वहां से फाड़ के बाहर निकलता है और वहीं पे जाके सॉलिडिफाई होता है। अब ये बाहर जब जाके सॉलिडिफाई होता है तो इसका कूलिंग रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ये बहुत ज्यादा जल्दी कूल डाउन होता है, बहुत ज्यादा स्पीडी सॉलिडिफाई होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। फिर इसमें एक और एलिमेंट है बेटा वो ये है कि जब ये जो आपका मैग्मा है या लावा है जब ये फाड़ के अर्थ क्रस्ट को बाहर निकलता है तो ये किस हद तक जो है ये दूर जाकर गिरता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर ये अर्थ क्रस्ट को फाड़ के ज्यादा दूर नहीं गिरता, मैं आपको यहां पे अगर डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये आपकी अर्थ क्रस्ट है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है बेटा, यहां से ये इरप्ट होके बेटा बाहर निकलता है और यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है अगर ये ज्यादा दूर तक नहीं फैलता। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ये यहां पे लावा मेंटेन होगा, यहां से फिर इरप्ट होगा, फिर ये इधर आके फॉल आउट करेगा, इसी तरह इसके साथ ये एरिया भी कवर कर देगा, ये एरिया भी कवर कर देगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ये एरिया। तो हम देखते हैं कि जब जो लावा है आपका वो इरप्ट होने के बाद ज्यादा दूर नहीं जाता तो बेटा एक ही वर्टिकल पोजिशन में आता है, तो हम कहते हैं इससे बनते हैं माउंटेन्स। तो माउंट एक इस सूरत में बनते हैं माउंटेन्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक इसकी और सिचुएशन भी है कि वो ज्यादा दूर तक जाता है,
इरप्ट होने के बाद वो ज्यादा एरिया तक अपना असर रखता है, तो बेटा इस सूरत में हम कहते हैं प्लेटोज बनते हैं। तो बेटा ये जो प्लेटोज हैं या माउंटेन्स हैं, ये बेटा याद रखें एसिडिक जितने भी हैं, एसिडिक या फेल्सिक इग्निशियस रॉक्स, ये बेटा माउंटेन्स की सूरत में पाई जाती हैं, हाई माउंटेन्स पे होंगी या इनसे हाई माउंटेन्स बनेंगे, जबकि जो बेसिक है बेटा वो दे टेंड टू फॉर्म द प्लेटोज। अब ये बेटा टाइप्स थी इग्निशियस रॉक्स की, हमने पढ़ ली, एसिडिक है, एसिड है, बेसिक है, इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है। नेक्स्ट हम कहते हैं इसकी प्लेट टेक्टोनिक एंड इग्निशियस रॉक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में बेटा दो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट तो ये है कि आपकी जो रॉक्स हैं वो पूरे ग्लोबल लेवल पे ग्लोब में बेटा फैली हुई है। एक दूसरा कंसेप्ट है कि ये जो रॉक्स हैं इनको एक खास किस्म का एटमॉस्फेयर चाहिए जो इनके लिए फिजिबल है, जहां पे ये इन्वायरमेंट उनको मुयस्सर होता है वहां पे ये उनकी जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल हो जाती है। तो बेटा अगर हम इग्निशियस रॉक्स की बात करें तो बेटा दो ऐसे एलिमेंट्स हैं या दो ऐसे प्रोसेस हैं जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट्स बाउंड्रीज बन रही हो या कन्वर्जेंट प्लेट्स प्लेट्स बन रही हो। तो इन दोनों सूरत हाल में, इन दोनों स्पेसिंग में ये बेटा इग्निशियस रॉक्स जो है वो फॉर्मुलेट होती है। अच्छा, अब ये डाइवर्जेंट प्लेट और कन्वर्जेंट प्लेट की जो मजीद डिटेल है, यकीनन ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी डिटेल हम फिर फर्दर सेपरेट लेक्चर में इसकी करेंगे। अब तक आप ये समझिए कि इग्निशियस रॉक्स की जो फॉर्मेशन है दैट इज पॉसिबल एट टू बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब इसमें से जो डाइवर्जेंट है बेटा हम कहते हैं कि वो ज्यादातर अंडर वाटर होती हैं, तो ये अंडर वाटर ही जो अर्थ क्रस्ट है या लिथोस्फेयर है जब उसकी इरप्शन से बनती है तो बेटा ये न्यू लिथोस्फेयर की फॉर्मेशन करती है। इसकी भी अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो ये है कि ये अगर आपका लिथोस्फेयर है या ओशन का बेड है, यहां पे बेटा लावा है, यहां पे हम कहते हैं रॉक बन गई, यहां से इरप्ट हुआ और यहां पे रॉक फॉर्मुलेट हो गई। दूसरी रॉक जो है बेटा इससे जो नेक्स्ट इरप्शन होगी वो लावा यहां तक आ गया, तो यहां से फिर ये अपर लेवल पे दूसरी ऊपर वाली साइड पे फिर मजीद जो है वो रॉक्स फॉर्मुलेट हो गई। तो इसमें पेरेंटल जो रॉक है उसके फ्रैक्शंस निकल के बेटा दूसरी नई रॉक्स बनाते हैं। तो दो प्लेसेस, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड गिव्स द बेस्ट फिजिबल एनवायरमेंट टू ग्रो। इस पे फॉर्मुलेशन होती है इग्निशियस रॉक्स की। नेक्स्ट बेटा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। बेटा एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, क्योंकि बाज दफा सिलिकॉन की जो परसेंटेज है बेटा वो कम ज्यादा होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक स्मूथ या यूनिफॉर्म रेट नहीं है कूलिंग का। बाज मौकों पे बहुत जल्दी कूलिंग हो जाती है, बाज पे इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट बेटा कंपैक्ट है, मैसिव है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम एक क्रिएट करता है। आपने अक्सर पहाड़ों में भी देखा होगा, अगर आप ये नॉर्दर्न साइड में जाएं तो वहां पे भी आपको इसे पता लगेगा। नेक्स्ट बेटा इसका स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो बेटा क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पे मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक अगर हम इसका एनालिसिस करें तब इससे हमें जाके पता चलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो फॉसिल फ्यूल है बेटा वो इसमें नहीं पाए जाते। फॉसिल फ्यूल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं बेटा, ये जो बहुत पुराने दौर में जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी बेटा जो बाकियात हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, वो बाज़ औक़ात जो है वो एक चट्टान में, एक रॉक में इम्प्रिंट हो जाते हैं। या इस तरह इसे वो देखें कि जितने भी कोल है या जितने कार्बन अगर अकमुलेट हो जाता है एक रॉक में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बेटा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में, एंथ्रासाइट में, पीट में, वगैरह वगैरह। ये जो परसेंटेज ऑफ कार्बन की बुनियाद पर हम एनर्जी की या कोल की जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो भी बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स में तो होती है, बट इग्निशियस रॉक में वो यहां पर नहीं पाई जाती। तो गाइज ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपके बहुत सारे कंसेप्ट इस लेक्चर से क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।